1258 में जब हलाऊ खान ने बगदाद को तबाह किया तो चंगेज़ खान का पोता बरके खान, जो अब मुसलमान हो चुके थे, उन्होंने हलाऊ खान को एक ख़त लिखा, लेकिन हलाऊ उससे बाज ना आया और एक के बाद एक मुसलमानों के शहरों को तबाह व बर्बाद करता चला गया। लिहाजा इसका नतीजा ये निकला कि दोनों मंगोल हुक्मरान एक दूसरे के आमने सामने आ गए और इनके दरमियान कई लड़ाइयाँ होती रहीं, लेकिन इससे दोनों को कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुँचा। लेकिन जब 1259 ईस्वी के आसपास मशरिकी खुरासान के कोहे कोकास के पास दोनों फौजें जंग के लिए आमादा थीं, जंग शुरू हुई और हलाऊ खान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। शिकस्त के बाद हलाऊ खान अपने लश्कर के साथ भाग खड़ा हुआ और एक दरिया से गुजरते हुए उसके कई सिपाही हलाक हो गए। अपनी उस शिकस्त का उसको इस कदर सदमा हुआ कि उस जंग के बाद वो मर गया।